करनाल के सेक्टर 32 में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने शिरकत की है। इस मौके पर मंच पर उनके साथ कांग्रेस नेता जयपाल मान, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, स्थानीय युवा कांग्रेस नेता पंकज पूनिया समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर किरण चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज करनाल का उनका दूसरा यह कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के समर्थक मौजूद हैं। उनका समर्थन उन्हें लगातार हरियाणा में मिल रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। इधर कांग्रेस में मतभेद के सवाल पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी स्थानीय और बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है। कार्यकर्ताओं का जो है प्यार है और खास तौर से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पर मान साहब हैं, जयपाल मान जी और पंकज पुनिया जी, उनका धन्यवाद मैं करूँगी और सभी कार्यकर्ताओं का कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन हमने इसलिए रखा है क्योंकि दिवाली मिलन तो हो नहीं पाया था, तो ये कार्यकर्ता का साथ जो है बैठ के बातचीत होगी। और आप जानते हैं पूरे हरियाणा के अंदर मैं निकल रही हूँ, हर जिले वाइज के अंदर, तो ये उसी कड़ी के अंदर ये प्रोग्राम जो है हमारे सभी तगड़े साथी जो हैं वो रख रहे हैं। किसी प्रदर्शन में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। हम जो हैं सभी लोग जो हमारे जो पूरी तरह से बिल्कुल अपने घरों के अंदर बैठ गए थे, चुपचाप जो है उनकी पूछ नहीं हो रही थी कहीं भी, अब वो पूरी तरह से दोबारा से ऊर्जा उनके अंदर भरने के लिए निकले हैं और सभी साथी जो हैं इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते थे, आप देख ही रहे हैं कि जोश के साथ सारे के सारे निकल रहे हैं। और हरियाणा के अंदर चौधरी बंसी लाल जी के और उनके साथी जो हैं वो पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं आप जानते हैं, तो ये उसी कड़ी में हर जगह पर करनाल का ये दूसरा पड़ाव जो है ये हमारे साथियों का इतना प्रेम है, इतना अपार प्रेम जो मेरे को मिल रहा है, मैं उसकी जो है तुलना किसी चीज से कर नहीं सकती।